हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन एक। आज और हम टेल गाइस टाइटल देख लिया होगा, वीवोस वर्जन 4.1 बेस्ड ऑन एन 11 फॉर आर मी 11, इसी न्यू रोम की रिव्यू होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यार अबाउट स्क्रीन स्टार्ट कर लेते हैं। सो ऑब्वियसली इसमें आपको एन वर्जन एन 11 देखने को मिल जाता है और अच्छी रोम है, बट एक इसमें मेजर प्रॉब्लम, क्या मेजर, बहुत बड़ा एक तरह से आप कह सकते हो बग है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एन वर्जन यहाँ पे आपकी एन 11 होगी इसमें, और जिसमें आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी मिलता है भाई ऑब्वियसली 5 फरवरी का 2021। चलो 5 फरवरी तो अब ऑलमोस्ट भाई जा ही चुका, 3-4 दिन बचे हुए हैं। कन्वर्जन वही सेम मिलता है इसमें आपको, स्टॉक का प्रफ प्लस का 4.9 जो अपस्ट्रीम वर्क 227 मेंटेनर वर्जन आपका 4.9 डिवाइस शॉमी में एक्सेट्रा सारी चीज़ें आपको जाती है। और हाँ भाई एक ऑफिशियल बिल्ड है, जो चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि फर्स्ट ये फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है और वेवर्स, सो आप कह सकते हो ठीक है। अब कैसे हम बात करते हैं स्टेज पार से, बग इसमें आपको एक मेजर देखने को मिलता है, उसको भी आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। पहले ऊपर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वाईफाई ब्लूटूथ इधर तो ऊपर कोई दिक्कत नहीं, जो मेजर चार चीज़ें ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, इधर सारी चीज़ में आपकी फुली वर्किंग, इधर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोकेशन हो गया आपका यहाँ पे, और नाइट लाइट, हॉटस्पॉट जिसमें मैंने बोला, स्क्रीन कास्ट, कैफीन देखने को मिल जाता है, और इसमें आपका स्क्रीनशॉट, ये सारा फुली वर्किंग है। इन्वर्ट कलर्स, डेटा सेवर और रीडिंग मोड, पीक नोटिफिकेशन इनेबल डिसेबल करना वो आपकी चॉइस है, नोटिफिकेशन रिबूट साइज, नीचे आपका एफ के एम स्क्रिप्ट होगी। सो ऊपर कोई दिक्कत नहीं, मतलब जैसे आपका जो मेजर चीज़ होती है वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया आपका, और स्क्रीन कास्ट हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, इधर आपको कोई दिक्कत नहीं, इधर सारी चीज़ें इसमें वर्किंग है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं जो मेन हमारा बेंचमार्क है गीकबेंच 5, उसकी हम बात कर लेते हैं। सो ये रहा भाई बेंच, पेटीएम क्यों, ये रहा बेंचमार्क 5 गीकबेंच 5 आई मीन लिटिल बिट, हाँ वो वही साफ देख रहे हो, लिटिल बिट स्लो है, बट वही है ना कि ऐसा कोई मेजर फ्रीजिंग इशू तो नहीं दिखा। हाँ वो तो भाई देखो साइड रोम में दिखेगा, जितने भी एलियन रोम्स है तो उसको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फ्रीज का अभी के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है ऑन एलियन रोम्स स्पेसिफिकली फॉर आर मी एम। तो सिंगल स्क्रोल में आपको 167 देखने को मिल जाता है, मल्टी स्क्रोल में आपको देखने को मिल जाता है 960, ये भी आपका हो गया। अब गाइस हम बात करें जो हमारा सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट है, सो सीपीयू थ्रॉटलिंग इसमें आपको जो सीपीयू थ्रॉटल होगा आपका वो 94% जो उसकी मैक्स परफॉर्मेंस है। एवरेज जी आई पी एस इसमें आपको देखने को मिलता है 91,000 और जो आपका मैक्स जी आई पी एस है वो है 95,000, बट जो मेन सीपीयू थ्रॉटल हुआ वो है भाई 94% जो उसकी मैक्स परफॉर्मेंस है। तो ये भी थ्रॉटल आपका इधर डन हो चुका है, परफॉर्मेंस पे भी मैं आऊँगा। और आप कैसे हम बात करें जो हमारे मैच के, सो अगर आपको बैंक ऐप यूज़ करने हैं, मैच खाइड मैनेजर को आपको इधर रीनेम करना पड़ेगा, और जो आपका मैच खाइड है उसको मैं यहाँ पे आपको इनेबल करना पड़ेगा, जब जाके आपका जो सेफ नेट है वो इधर आपका टूट जाएगा। सो बेसिक इंटीग्रिटी यहाँ पे आपकी ट्रू है, और बेसिक इंटीग्रिटी ट्रू है यहाँ पे आपकी, सीरियो फाइल भी ट्रू, तो इधर दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक ऐप्स यहाँ पे आपके फुली वर्किंग है, पेटीएम हो गया, जीपी हो गया, मेरे तो कोई दिक्कत मुझे देखने को उसमें नहीं मिली है। अब गाइस हम बात करते हैं बग्स की, जो मेन इससे मेजर प्रॉब्लम है, क्या पता अपकमिंग अपडेट में फिक्स हो जाए। नेटवर्क इंटरनेट कोई दिक्कत नहीं, कनेक्टेड डिवाइस कोई दिक्कत नहीं, और डिस्प्ले, नाइट लाइट, एडेप्टिव ब्राइटनेस, वॉलपेपर चेंज करना है पे आप चेंज कर सकते हो, स्क्रीन कास्ट, ऑटो रोटेट, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, स्क्रीन सेवर, लोकेशन, स्टेट बार अगर आपको वहाँ पे कस्टमाइज करना है पे कस्टमाइज आप कर सकते हो, टैप टू बैक वर्किंग कोई आपको दिक्कत नहीं है, ये आपका। अच्छा स्टेट बार वाला है ना ये, चलो मैं सोचा वो दूसरा टैप, सॉरी ये फुली वर्किंग है, इधर को आपको दिक्कत नहीं है, मैं सोचा वो दूसरा वाला है, स्टेट बार वाला टैप टू बैक है, इधर आपको वर्किंग कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये है ना टैप टू बैक, तो इधर ये आपका हो गया। सो वर्किंग है वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैंने भाई अभी टेस्ट करा था। और इनेबल ब्लर की अगर हम बात करें, कोई मुझे फ्रीजिंग इशू ऐसा नहीं दिखा, जैसे मैंने इनेबल ब्लर को, मैंने पहले उसको डिसेबल करके देखा, फिर दोबारा इनेबल करा फ़ोन को, दोबारा फिर मैंने रिबूट करा, कोई मेजर फ्रीज इशू नहीं दिखा वाइल यूजिंग। अगर आप ब्लर को ऑप्शन को इनेबल करते हो, कोई मेजर फ्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगा ऊपर। अगर स्टेट बार की हम बात करें, कोई फ्रीज नहीं ऊपर, क्योंकि कोई कोई रूम्स है ऐसे आपकी रिवेंजर्स होगी और थोड़ी एक दो रूम्स है, जैसे आप ब्लर को ऑप्शन इनेबल करते हो आपको फ्रीजिंग इशू देखने को मिलता है। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेजर फ्रीजिंग इशू देखने को नहीं मिला, डार्क थीम होगा ऐसा ऐसा चीज़ होगी। और अब चलते हैं बग में, जैसे हम अगर गाइस इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप एक्शन कलर चेंज करते हो या हेडलाइन बॉडी फॉन्ट या आइकन शेप या आइकन पैक कुछ भी आप चेंज करते हो, जैसे एग्जांपल मैंने सैंड का जैसे एक्शन कलर चूज़ कर लिया, ऊपर यहाँ पे आपका चेंज हो गया, अब मैं जैसे ही फ़ोन को रिबूट करूँगा वो दोबारा डिफॉल्ट हो जाएगा। जैसे हेडलाइन फॉन्ट को मैंने वन प्लस जो सेंस है फॉन्ट वो भी चेंज कर लिया, आइकन शेप को जैसे मैंने चेंज कर लिया राउंडेड रेक्टेंगल, और आइकन शेप को मैंने सैम पे कर दिया, जैसे ही मैं फ़ोन को गाइस रिबूट करूँगा चारों चीज़ें डिफ़ॉल्ट हो जाएगी।
अगर क्वेश्चन जैसे एक्सेंट कलर समझ गए होगा ना, तो चारों चीज़ें डिफॉल्ट हो जाएगी, और जैसे हमने जो फॉन्ट ऐसे तैसे चीज़ें चेंज करी थी वो भी यहाँ पे आपकी रिमूव हो जाएगी। मतलब कहने का मीनिंग है कि वो डिफॉल्ट हो जाएगी, तो बार बार आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर फिर आप फोन को रिबूट करते हो तो दोबारा फिर वो डिफॉल्ट हो जाएगी, फिर दोबारा चेंज करो। तो उसमें एक ये मेजर मुझे प्रॉब्लम लगी देखने को मिली है कि बग आप तरफ से यस कह सकते हो, चाहे एक्सेंट कलर हेडलाइन या आपका हेडलाइन हो या बॉडी फॉन्ट हो या आइकन शेप हो या आइकन पैक हो, ये चारों चीज़ें टोटली आपकी तरह से कहते हैं। जैसे आप इसको चेंज करोगे और उसके बाद फ़ोन को रिबूट करोगे दोबारा डिफॉल्ट हो जाएगी, तो ये इसमें आपको बग एक देखने को इसमें मिल जाता है। साउंड में हाँ लाइव कैप्शन आपको मिल जाता है, तो कोई इधर कोई दिक्कत नहीं है। एब्सेंट ड्यूरेशन बैटरी फेस अनलॉक वर्किंग कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक हो गया दोनों चीज़ें, फिंगरप्रिंट की स्पीड भी इफिशियंट है, और भाई डबल टैप टू वर्किंग है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे कोई प्रॉब्लम है वर्किंग है मैं इतना आपको कह सकता हूँ। सिक्योरिटी प्राइवेसी लोकेशन बैटरी बैटरी वो आप कह सकते हो ठीक है, 5.5-6 घंटे का इसमें आपको SOT मिल जाएगा। अगर लिटिल बेट एज ए डे ड्राइवर की तरफ ऑप्ट करते हो 6 घंटे का, तो आपको आराम से इसमें SOT देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज अकाउंट्स हो गया, डिजिटल वेलमिंग हो गया, गूगल हो गया, यहाँ पे नीचे सिस्टम। अब चलते हैं हम गेस्टर्स में, ये आपको मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा अगर आपको SWQ डिसेबल करनी है, जब जाके आप गेस्टर नेविगेशन को यूज़ कर सकते हो। होम स्क्रीन वाला तो वर्किंग होगा गेस्टर नेविगेशन, बट जो लेफ्ट राइट वाला वो इधर आपको इसमें वर्किंग नहीं होगा। तो पता ही है ना मॉड्यूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैच के थ्रू उसको फ्लैश कर लेना, फिर जाके जो आपकी SWQ कीज़ है वो डिसेबल होगी, फिर आप जाके गेस्टर नेविगेशन को यूज़ कर सकते हो। सो ये इधर आपका हो गया। अब गाइस मेन बात कर लेते हैं, बग तो मैंने आपको बताया जो मेजर प्रॉब्लम थी वही एक्सेंट कलर सारी, तो क्या पता है आपका मेरे बेट में चीज़ फिक्स हो जाए, अभी के लिए तो आपको ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा। सो एक बड़ा इसका सबसे बड़ा ये कंसर्न है जो मैंने आपको बताया, जो आपका कस्टमाइजेशन में 4 ऑप्शन मिलते हैं एक्सन कलर हेडलाइन फॉन्ट के, ये एक तरह से कह सकते हो टोटली आप ब्रोकन है, मतलब जैसे इसको आप चेंज करोगे वो दोबारा डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ये टोटली एक तरह से कह सकते हो आप चेंज तो हो रहा है, बट जैसे ही आप फोन को भी अभी देखो अभी चेंज है, जैसे ही मैं फोन को रिबूट करूँगा ना वो पहली डिफॉल्ट जैसी सारी चीज़ें आ जाएगी, जो स्टार्टिंग में जैसे आप सारी चीज़ें डिफॉल्ट थी वो हो जाएगी। सो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस और बैटरी की, 15-16% का एक्टिव रेन है जो आप कह सकते हो भाई बहुत अच्छा है। बैटरी का वही मैंने अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ, बैटरी मुझे इसकी इसमें ठीक ठाक डिसेंट लगी है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ अगर हम बात करें वाइल गेमिंग, जो आपका SOT होगा, SOT नहीं जो आपका एक्टिव रेन होगा वाइल गेमिंग वो होगा गाइस अराउंड आपका 45-46% का एक्टिव रेन होगा। कंसिस्टेंटली अगर आप गेमिंग करते हैं 20-100% फिर आपका SOT होगा सिर्फ 1.5 घंटे का। तो जब आपका 45-46% का एक्टिव रहना है वर्ल्ड गेमिंग में, COD की बात कर रहा हूँ, तो वही बात है ना, यू कॉन्ट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम अ 625 स्नैपड्रैगन एंड प्लस 3080mAh की बैटरी, तो उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर हम शॉर्ट बात करें। और अगर जो मेरा मैक्स टाइम गया था, क्योंकि बस बहुत लोग ये कह रहे भाई इसमें हीटिंग इशू है, आइडल इसका 40-50 टेम्प रहता है, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मेरा आइडल भाई 35-36-37 इतना रहता है, बट 45-50 मेरा आइडल नहीं है। अगर आपको हीटिंग इशू भाई फेस हुई इसमें तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है, मुझे PM कर देना टेलीग्राम पे, मैं डेवलपर को वो चीज़ मेंशन कर दूंगा, या तो आप ग्रुप में भी मेंशन कर सकते हो, लिंक ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन से डाल दूंगा जो वेवोस का है। बट स्टिल जो मेरा वाइड SOD वाइल COD में जो इसका मैक्स टाइम था गाइस वो था अराउंड मेरा गया था 49, वैसे 47-48 था, बट 50 मान के चलो 50 तो आपका होएगा ही। लिटिल बिट हीटिंग है, ज़्यादा हीटिंग है, टेम्परेचर मैनेजमेंट की बात करें बहुत पुअर है इसमें, वो वर्ड होता है ना टेम्परेचर मैनेजमेंट कैसा है इस रूम का, वो बहुत पुअर है इसमें, तो उस हिसाब से देखा जाए ये। बट वाइल जो आपका एक्टिव डे ना आइडल की मैं बात कर रहा हूँ वो यार 45-50 इतना तो मैंने ऐसा फेस नहीं किया। हाँ वाइल गेमिंग मैंने थोड़ा ज़्यादा करा था, मैक्सिमम 49 गया था, वो ज़्यादा होता है भाई, 49-50 बहुत ज़्यादा होता है टाइम, ये हम कुछ PC के कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं, सो इसलिए 49-50 बहुत ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा टेम्परेचर मैनेजमेंट इसका थोड़ा पुअर है। और परफॉर्मेंस के लिए ठीक है, कोई FPS ड्रॉप मुझे दिखे, स्मूथ एक्सपीरियंस था COD का, PUBG और COD में बहुत फ़र्क है, बट स्टिल ऐसे कोई मेजर आपको FPS ड्रॉप ऐसी चीज़ें नहीं दिखी। बट वही बात अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं शुरुआत से चीज़ कर रहा था भाई, अगर आपको परफॉर्मेंस और बेटर चाहिए या फ्रीज इशू ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए, तो आपको यार 8 एंड रूम पे ही रहना पड़ेगा, 8 एंड रूम्स को ही ऑप्ट करो। जैसे अभी नया अपडेट आया CR.0 का 6.15 का बेस्ड ऑन Android 10, वही है ना यार, अगर 8 एंड बहुत ज़्यादा बेटर है कम्पेयर टू, अगर हम A11 की बात करें फॉर आर स्पेसिफिकली Mi 11, बहुत अच्छी है 8 एंड, फ्रीजिंग इशू नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी है, बैटरी भी अच्छी है, लिटिल बिट सारी चीज़ें बेटर है यार, ये तो आपको माननी पड़ेगी 8 एंड एज कम्पेयर टू अगर हम A11 की बात करें 8 एंड में बिगले सारी चीज़ें बेटर है, तो वो अगर आपको चूज़ करना कर सकते हो। बट अगर हम इसकी फुल कंक्लूजन की बात करें ठीक है, बट इसमें भी फ्रीज इशू है, जैसे मुझे टेलीग्राम का सुबह मॉर्निंग में फेस हुआ था, आपको क्या पता व्हाट्सएप का है यूट्यूब का है, फ्रीजिंग इशू आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई उसका कोई सलूशन नहीं है, कहने का मीनिंग है वो सारी A11 रोम्स में प्रेजेंट है, चाहे आप CR.0 लो, शेप शिफ्ट हो, पिक्सल एक्सपीरियंस, लिनिज कोई भी रोम, या ऑक्टेवियस होगी, डर्फेस्ट होगी, सब में आपको फ्रीज इशू देखने को इसमें फेस मिलेगा, उसका अभी तक कोई सलूशन नहीं।
और एज ए डिटेगर की बात करें, ऑप्ट कर सकते हो, बैटरी डिसेंट है, ओके, परफॉर्मेंस भी डिसेंट ओके, बट स्टिल अगर ये सारी चीज़ आपको और अच्छी चाहिए तो मैं तो रिकमेंड हमेशा भाई ये चीज़ तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि 8 एंड रोम अगर आपको चूज़ करनी है तो भाई वो ज़्यादा ठीक है, उसी पे रहो अगर परफॉर्मेंस है सारी आपको बैटरी कब चाहिए। अगर आपको एलैंड यूज़ करनी है तो CA.ShapeShift स्टिल बेटर है एज़ कम्पेयर टू अगर हम वीवोस की बात करें, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं जो एक्सटेंड कलर रीसेट हो जाता है सारी चीज़ें उनमें ये दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको यूज़ करनी है, बट ये चीज़ रखना है, दो कंसर्न आपके होंगे, एक तो टेम्परेचर मैनेजमेंट, दूसरा आपका होगा ये जो एक्सेंड कलर का बग है, जो कस्टमाइजेशन टोटली जो 4 ऑप्शन है वो जैसे आप फोन को रिबूट करोगे दोबारा डिफॉल्ट या इन शॉर्ट रीसेट हो जाएंगे, तो ये दो बड़े कंसर्न इसमें देखने को मिलते हैं। वो गाइस मिलते वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।